तो और मेरे भाइयों कैसे हो सब बढ़िया। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आ चुका हूँ लिविक मैप की कुछ सीक्रेट लोकेशन, जिनका यूज करके आप लिविक मैप में काफी आसानी से अपनी रैंक पुश कर पाओगे और साथ ही साथ आप एनिमी को भी सरप्राइज अटैक दे सकते हो। तो लोकेशन एकदम मजेदार होने वाली है, बस वीडियो को एंड तक देखते रहो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो पहली लोकेशन है वो वर्क कर रही है वाटरफॉल पे, तो आपको यहाँ पे वाटरफॉल पे आ जाना है और फिर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे पानी के अंदर चले जाना है जैसा कि मैं जा रहा हूँ। और भाई ये जो राइट साइड है आपको यहाँ पे राइट साइड में जाना है और आपको नीचे एकदम से चले जाना है और भाई यहाँ पे आप एक सीक्रेट लोकेशन पे आ जाओगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो तो भाई कुछ इस तरीके से आप इस वाली लोकेशन पे आ जाओगे और इस वाली लोकेशन पे कोई भी बंदा कितना कुछ भी कर ले भाई सोच ही नहीं सकता कि आप यहाँ पे हो सकते हो। तो ये वाली लोकेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगी और साथ ही साथ अगर मान लो कि हैकर को भी पता चल जाता है कि भाई आप यहाँ पे हो, मतलब वो अगर ESP से आपकी लोकेशन देख भी लेता है तो तब भी वो यहाँ पे आपको नहीं मार पाएगा, मतलब उसको अंदर आना ही पड़ेगा। और जैसे वो अंदर आने का ट्राई करता है तो आप यहाँ से उसको काफ़ी आसानी से मार पाओगे। तो भाई जब भी इस साइड में जोन बन जाता है तो आप इस वाली लोकेशन का यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और लोकेशन भी देखने को मिल जाती है, तो जो उड़ने वाली पावर है उसका आपको जिस तरीके से यूज़ करना है और भाई यहाँ पे इस वाली लोकेशन पे भी आप आ जाओगे। और ये जो लोकेशन है ये भी आपके लिए एक सीक्रेट लोकेशन हो सकती है, तो इसका भी आप यूज़ करो। और ये जो वाटरफॉल है भाई यहाँ पे एक ही लोकेशन नहीं है, मतलब 2-3-4 आप अपने हिसाब से कुछ लोकेशन बना सकते हो। तो यहाँ पे मतलब 3-4 लोकेशन वर्क कर रही है, तो इस तरीके से यहाँ पे अपने हिसाब से आप आ जाओ। और अगर आपके साथ आपके टीममेट हैं तो आप उनको अलग अलग लोकेशन पे बिठा दो तो ये वाली लोकेशन आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाएगी। और लोकेशन नंबर 2 के लिए आपको आ जाना है ईस्ट पोर्ट पे, और भाई ये जो लाइट हाउस देखने को मिलता है आप इसके ऊपर भी जा सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपनी संजू बीन को यूज कर लेना है अगर आपकी ये हेल्थ बार फुल नहीं रहे तो सबसे पहले ये जो ब्लू लाइन है बस इसको यहाँ पे फुल करो और जो उड़ने वाली पावर है भाई उसका यूज करो और फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेफ्ट राइट होते रहो और भाई आप यहाँ पे इसके ऊपर आ जाओगे, मतलब कुछ इस तरीके से इतना ऊपर आ जाओगे। और जैसे आप इतना ऊपर आ जाते हो तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा अंदर की साइड होना है और फिर आपको दोबारा से बाहर होना है और आपको ऊपर उड़ने वाला मतलब बटन उसको दबाना है और आप इस वाली जगह पे आ जाओगे। फिर यहाँ पे आपको काफ़ी आसानी से लैंड कर लेना है, मतलब यहाँ पे उतर जाना है और जैसे आप यहाँ पे उतर जाते हो उसके बाद आप इसके अंदर जा सकते हो और इसके अंदर जाने के बाद आप अपनी रैंक पुश भी कर सकते हो या फिर अगर मान लो कि यहाँ पे एनिमी वगैरह भी आ जाते हैं तो यहाँ पे रहते हुए आप उनको भी मार पाओगे। तो ये वाली लोकेशन भी आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम आ सकती है, तो भाई इसका भी यहाँ पे यूज़ करो। और जो अपनी अगली लोकेशन है वो है चर्च, तो भाई आपको यहाँ पे चर्च पे आ जाना है और उसी तरीके से जो फ्लाई वाली पावर है आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज करनी है और फिर जैसा कि मैं जा रहा हूँ भाई आपको भी इसी तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर इतना चले जाना है और धीरे धीरे आप यहाँ पे एकदम से और ऊपर आ जाओगे। और फिर ये वाली जो लोकेशन है बस यहाँ पे आके लेट जाओ, बैठ जाओ भाई, यहाँ पे आराम से बैठे रहो, मतलब अगर आपको अपनी रैंक पुश करनी है तो यहाँ पे अपनी रैंक पुश भी कर सकते हो या फिर अगर आपको एनिमी को यहाँ से मारना हो तो आप एनिमी को भी मार पाओगे, तो इस लोकेशन को भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। और जो अगली लोकेशन है वो है ये वाले पेड़, तो भाई ये जो ट्री आपको दिख रहे हैं ये येलो कलर वाले जितने भी आपको गेम के अंदर देखने को मिलते हैं तो आप इनके अंदर भी हाइड हो सकते हो, मतलब इनमें भी आपको एक सीक्रेट लोकेशन देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो उड़ने वाली पावर है भाई उसी का यूज़ करना है, अब उड़ने वाली पावर ही आपको ज़्यादा काम आएगी तो उस पावर का यूज़ करो और कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस वाले पेड़ के अंदर आके बैठ जाओ जैसा कि यहाँ पर मैं बैठ चुका हूँ। और यहाँ पर आने के बाद भाई कोई भी बंदा इतनी जल्दी तो नोटिस नहीं कर पाएगा कि आप इसके अंदर यहाँ पर ऊपर बैठ सकते हो और यहाँ पर रहते रहते आप एनिमी को भी मार पाओगे और अगर आपको अपनी रैंक पुश करनी हो तो अपनी रैंक पुश भी कर सकते हो। और भाई देखो ये जो लोकेशन है ये हैकर से सेफ नहीं है, अगर हैकर यहाँ पे आ जाता है तो वो आपको काफ़ी आसानी से मार सकता है। अब आपको तो पता है कि गेम में काफ़ी ज़्यादा हैकर आ रहे हैं, तो अगर आपको लगे कि भाई गेम में हैकर है तो तब इस ट्रिक का यूज़ मत करना, वैसे नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। और जो नेक्स्ट ट्रिक है उसके लोकेशन भी आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, तो भाई आपको इस वाली लोकेशन पे आ जाना है और आपको ये जो घर देखने को मिलता है आपको इसके पास ये वाला पत्थर देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसके अंदर की ओर चले जाना है तो यहाँ पे आप अपनी रैंक पुश कर पाओगे और यहाँ से एनिमी को मारना हो तो भाई आप एनिमी को भी मार सकते हो। लेकिन भाई देखो ये जो लोकेशन है अगर मान लो कि एनिमी को आपकी लोकेशन का नहीं पता हो तभी तक ये काम करेगी,
अगर एनिमी को लोकेशन का पता चल जाता है, मतलब कि अगर आप उनके ऊपर फायर वगैरह कर देते हो और भाई उनको आपकी लोकेशन का पता चल गया, तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे ग्रेनेड आएगा और आपका काम तमाम हो जाएगा। तो इस वाले लोकेशन को आप अपनी रैंक बूस्ट के लिए सिर्फ यूज़ कर सकते हो। और जो अपनी लास्ट लोकेशन है उसके लिए चाहिए आपको ये वाली गड्डी, तो भाई इस वाली गाड़ी को लेके आपको पानी की साइड यहाँ पे आ जाना है और पानी के अंदर फिर आपको इस वाली गाड़ी को कुछ इस तरीके से कुदा देना है, मतलब इसके अंदर आपको गाड़ी को लेके चले जाना है और फिर भाई आपको पीछे वाली सीट पे बैठ जाना है। अब जैसा ही आप ऐसा करोगे तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब आपको पानी के अंदर डैमेज भी नहीं होगा और यहाँ पे आप पानी के अंदर हाइड हो सकते हो। पर फिर भी भाई देखो ये जो लोकेशन है ये इतनी ज़्यादा तो काम नहीं आएगी, मतलब कई बार आप इसका यूज़ कर सकते हो बाई चांस अगर पानी की साइड जोन बन जाता है, लेकिन इसमें यह है कि भाई ये जो पानी ये ट्रांसपेरेंट है और आपको बंदा काफ़ी आसानी से देख भी सकता है, मतलब अगर कोई भी एनिमी थोड़ा सा ध्यान लगाएगा तो भाई वो आपको देख पाएगा और आपको मार भी सकता है। पर फिर भी अगर आप इसका यूज़ करना चाहो या फिर अगर आपको एनिमी को सरप्राइज अटैक देना हो तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।